देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में इसकी एक घोषणा की गई है कि हर एक ज़िले में एक एक लव कुश वाटिका इको टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित की जाएगी। तो बाड़मेर में ये स्थल जूना पत्रासर, जो एक ऐतिहासिक स्थल भी है, पुराना जूना बाड़मेर भी बोलते हैं, इसका चयन किया गया था। पहले जो इको टूरिज्म प्लान बना था तब इसको सेलेक्ट किया गया है और लगभग 2 करोड़ रुपए की इसकी बजट में घोषणा की गई है। उसकी एक हमने DPR बनाई है, जो अभी जिला इको टूरिज्म कमेटी बनी हुई है माननीय कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में। उसमें उस प्लान को अप्रूव करा के हम मुख्यालय पे भेजेंगे और जब वहाँ से बजट आवंटित हो जाएगा उसके बाद में कार्य शुरू करवाया जाएगा। क्या क्या पौधे वगैरह, वाटर टावर वगैरह? हाँ, चूँकि ये बहुत बड़ा फॉरेस्ट ब्लॉक है, करीब 2750 हेक्टेयर का ये सबसे बड़ा वनखंड है बाड़मेर के आसपास में, जिसमें अभी तो ज़्यादातर ज्यूली फ्लोरा ही आच्छादित है वहाँ पर। तो उसमें करीब जो अलग अलग घाटी हैं, जिनको यहाँ स्थानीय भाषा में खागल बोला जाता है, जो मेन खागल है, पावटा खागल बोलते हैं, उसको हमने इसमें टेकऑफ किया है, जिसमें कुछ पुराने ऐतिहासिक जैन मंदिर भी बने हुए हैं जो पुरातत्व विभाग के अंडर में हैं, और पुराने जो उस समय की जो आबादी थी उनके खंडर टाइप वो मकान भी हैं, और कुछ पुराने कुएं भी हैं, कुछ पुराने डैम भी हैं, पानी की संरचनाएं भी हैं। तो उन सभी को ही हम टेकअप करेंगे और सबसे पहले तो जूली फ्लोरा को थोड़ा सा हटा के, जिससे कि एक रियल पिक्चर सामने आए, उसके बाद में वहाँ पर जो नेचर ट्रेक्स हैं, रास्ते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हैं, प्लांटेशन है छायादार प्रजातियों का, और दूसरी जो एक्टिविटी हैं, इंटरप्रिटेशन सेंटर है, बच्चों के लिए किड कॉर्नर है, इस टाइप की एक्टिविटी टूरिज़्म के हिसाब से डेवलप की जाएंगी बजट की सीमा को देखते हुए। हाँ, पर्यटन को लेकर कितना बढ़ावा मिलेगा सर? एक बाड़मेर के पास में एक प्रकृति के सानिध्य में जाने के लिए एक बहुत अच्छा स्थान उपलब्ध होगा, और उम्मीद है कि इससे आने वाले समय में बाड़मेर के निवासियों को और जो बाड़मेर में बाहर से लोग भी आते हैं उनके लिए एक अच्छी जगह ये विकसित होगी।